में बारिश की कहर आ चुकी थी। सभी पशु पक्षी अपने अपने घर में चले गए। गरीब और अनाथ पक्षी उस बारिश की कहर से परेशान हो चुके थे। दो नादान चिड़िया जो कि अभी घोंसले में ही थी, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो उन्हें छोड़ के चली जाती है। वो लोग बारिश में आकर रोते और चिल्लाते हैं, अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं, माँ तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, माँ हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तभी वहाँ पर एक राक्षसी चुड़ैल आती है और उनके पीछे बस हंगामा शुरू करती है। अभी उन लोगों को ये सारी आवाज़ दूर दूर से सुनाई दे रही थी, तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास से भी उस चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। वो चुड़ैल सभी पक्षियों को मार के अपना शिकार बना रही थी। वो दोनों नन्हे और प्यारे से टुन्नी चिड़िया भी घबरा जाते हैं। उन्हें बस आवाज़ सुनाई देता है कि ए चिड़िया, ज़्यादा तुम आवाज़ मत लगाओ, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। वो लोग घबराते हैं और पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने बहुत ही खतरनाक और भयानक चुड़ैल खड़ी है। वो लोग उसे देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। वो लोग अपनी मरी हुई माँ को याद करते हैं और आवाज़ लगाते हैं, माँ तुम जहाँ भी हो हमें इनसे बचा लो, माँ हम आपके बिना नहीं रह सकते। वो बेचारे नादान थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई है हमेशा के लिए। उन लोगों को तो अभी उड़ना भी नहीं आता था। वो चुड़ैल अभी उन पर अटैक ही करने वाली थी और उन्हें अपना शिकार ही बनाने वाली थी कि तब तक उन दोनों बच्चों की माँ आ जाती है। फूल से लतपत माँ आके कहती है कि खबरदार, जो तुमने एक भी कदम मेरे बच्चों की ओर बढ़ा है तो मैं तुम्हें कहाँ से शिकार करूँगी, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं उड़ सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्ति मेरे पास है। वो कहती है, अच्छा ठीक है आज तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे नज़र के सामने हैं, मैं तुम्हारे बच्चों को खा के ही रहूँगी क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऐसा ही प्यारा प्यारा और मीठा मीठा शिकार ढूंढ रही थी, ये दोनों को तो खा के मज़ा आ जाएगा। वो चुड़ैल ये कह के यहाँ से चली जाती है। वो लोग अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को आवाज़ देते हैं। उसकी माँ कहती है, बच्चों तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ और तुम लोग चैन की नींद सो जाओ, ये बारिश तो खुशियों की बारिश है बेटा, इसे देख के मत घबराओ, अब इसे तुम्हें सहने की आदत लगानी होगी और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी, वो अब उन दोनों की ढाल बन के वहीं रहने लगती है। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक।